हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी कि ऋतिक रोशन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और ऋतिक रोशन ने खास दिन पर अपने फैंस को एक खास तोहफा दिया है और वो तोहफा दिया है फाइटर की पहली झलक पेश करके। आपने बहुत दिनों से ये खबरें सुनी ही होंगी कि ऋतिक रोशन फाइटर नाम की एक फिल्म कर रही हैं जिसमें वो एक अलग किरदार में नजर आएंगे। बहुत ज्यादा एक्शन इसमें होगा, थ्रिलर इसमें होगा, सस्पेंस इसमें होगा और यही वजह है कि फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पहले से ही देखा जा रहा था और उसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाने का काम किया है इस छोटे से टीजर ने जिसको आज ही रिलीज किया गया है। बता दें आपको 47वें जन्मदिन के मौके पर ऋतिक रोशन की फाइटर की घोषणा भी हो गई है और इसमें जो जो लीड कैरेक्टर्स होंगे उन सब पर प्रकाश डाला गया है। पहले मैं आपको बता दूं 30 सेकंड का ये टीजर है जिसको सोशल मीडिया पर खुद ऋतिक रोशन ने साझा किया है और अब इसको तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि फाइटर में ऋतिक रोशन के साथ दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण को शायद चॉकलेट खिला रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ऐसा ही उनको खिला रहे थे। और उस दौरान दीपिका पादुकोण ने फैंस के लिए वो तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि सपने सच होते हैं। तो उस वक्त पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, उन्हीं में दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल होगा, हो सकता है भाई वो उनकी फैन हो और इसीलिए उन्होंने वो पोस्ट किया था। लेकिन अब उसके मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल फाइटर में दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी जमने जा रही है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ उस फोटो में नजर आए थे। इन सबके बीच फाइटर का टीजर शेयर करते हुए ऋतिक रोशन ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पर, मैं आपको पढ़ के बताती हूं। पेश है फाइटर की पहली झलक। दीपिका पादुकोण के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए उत्साहित हूं। सभी लोग सिद्धार्थ आनंद के साथ इस मजेदार सफर के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें दीपिका पादुकोण ने भी इस टीजर को साझा किया है और लिखा है सपने सच में पूरे होते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपनी इस फिल्म के लिए। आप भी बताइए आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं और फिल्म के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बता दूं, दिसंबर 2021 से फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इससे पहले वॉर और बैंग बैंग को डायरेक्ट किया था। तो कुल मिलाकर स्टार कास्ट अच्छी है, डायरेक्टर बढ़िया है, एक्शन वगैरह बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो बताइए फाइटर अंदाज में ऋतिक रोशन को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।